भारत में कोरोना वायरस के 30 मामले सामने आ चुके हैं। इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, वहीं प्रार्थना व दुआओं का भी दौर जारी है। शुक्रवार को वाराणसी के पातालपुरी मठ में प्राचीन हनुमान मंदिर में साधु संतों के द्वारा कोरोना वायरस की आपदा से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व कल्याण की कामना की गई। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने बताया कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भयभीत है। भारत के कुछ जिलों में भी संक्रमित लोग मिले हैं। हर संकट का निवारण प्रभु हनुमान के पास है, इसलिए उन्हें संकट हरण भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के लिए कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। उनके नाम से ही बड़े बड़े रोगों का विनाश हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए गौमूत्र का सेवन करने की अपील की है। कहा कि इसमें वायरस लड़ने की ताकत है। श्री हनुमान जी महाराज की आराधना हम लोगों ने की है, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना जो वायरस है वो बहुत तेज फैल रहा है और पूरे विश्व में, और अब उसने अपने पैर भारत में भी जमाने का कार्य किया है। इसलिए हनुमान जी महाराज का आज आराधना की गई। हनुमान जी महाराज का चालीसा पढ़ा गया है, स्वस्ति वाचन किया गया है, शांति पाठ पढ़ा गया है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे देवता हैं कलयुग में जिनके लिए कहा जाता है कि नासय रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान जी महाराज का जो नाम है, हनुमान जी महाराज की जो आराधना करने से रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए ये वायरस जो कोरोना वायरस आया है, ये रोग है, इस रोग से निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज की आराधना की। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।